तो भाई अभी अभी व्लॉग अपलोड करके उठाऊं, व्लॉग आपको आई बटन पर देखने को मिलेगा। तो हाय गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा बढ़िया हो सकती है। अगर आपका चैनल भी YouTube सर्च में नहीं आ रहा, आपको भी YouTube सर्च से ट्रैफिक देखने को नहीं मिल रहा, तो भाई ये वीडियो आपके लिए ही है। आपको ये वीडियो में एक एक चीज क्लियर करूंगा, कैसे आप अपने चैनल को YouTube सर्च में लेकर आ सकते हो, ताकि कोई बंदा सर्च करे तो आपका चैनल टॉप पर आ जाए। मैं लाइव चेकिंग कर रहा था पिछले सैटरडे, आप भी लाइव चेकिंग में पार्ट ले सकते हो। बहुत सारे लोग भाई कह रहे थे कि भाई लाइव चेक कर दो, हमारा कर दो चेक। भाई मैं उनका चैनल जब सर्च कर रहा था लाइव चेकिंग में, साफ साफ भाई आ रहा था, उनका चैनल दिख ही नहीं रहा था मुझे टॉप पर। तो भाई ये चीज नहीं रखनी। आप अगर क्रिश कुमार सर्च करोगे तो भाई पूरे यूट्यूब पर मैं ही देखने को मिलूंगा आपको। जब मेरा चैनल नहीं था तो भाई क्रिश कुमार कोई भी सर्च करता था, भाई क्रिश मूवी आ जाया करती थी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक नया चैनल खोला, क्रिश कुमार व्लॉग्स, जिसमें मैं व्लॉगिंग करता हूँ। भाई वो चैनल जब मैंने नहीं खोला था, मैं क्रिश कुमार व्लॉग सर्च करता था तो भाई ये चीज देखने को मिलती थी। अब जब मैंने वो चैनल खोला, कैसे एक बहुत छोटा चैनल है, अराउंड 70 सब्सक्राइबर है, 10 दिन नहीं, एक हफ्ता पहले खोला है भाई, वो चैनल 70 सब्सक्राइबर पर भी टॉप पर आ रहा है अगर आप क्रिश कुमार व्लॉग सर्च करोगे। तो कैसे हुआ ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला, तो वीडियो एंड तक जरूर देखते रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना हमारी इस वीडियो को, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ज्यादा देरी नहीं करते, बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस पहले मैं आप लोगों को अपने स्क्रीन से दिखाऊंगा, एक एक चीज अच्छे से दिखाने वाला हूं। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको नहीं समझ आएगा, आपको समझ आएगा अगर आप एंड तक देखोगे। ये बात होती है कि भाई अगर आप बीच में छोड़ के चले जाओगे तो भाई फायदा नहीं होने वाला। एंड तक देखो, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती, 24 घंटे में 7-8 मिनट निकाल लोगे तो भाई कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। देखो भाई आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो है व्लॉगिंग वाले चैनल का। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है क्रिश कुमार व्लॉग्स। अभी देखो भाई मैं इनकॉग्निटो मोड खोल लेता हूँ, पहले यहाँ पर यूट्यूब सर्च करता हूँ। यूट्यूब सर्च करने के बाद अभी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, खोल जान देते हैं भाई, थोड़ा नेट स्लो चलता है मेरा। यहाँ पे क्रिश कुमार अगर सर्च करते हैं, भाई क्रिश कुमार सर्च करोगे आप, देखो भाई मेरा चैनल आएगा टॉप पे, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर आपको अपनी वीडियो को यूट्यूब सर्च में लेकर आना है तो भाई ये वीडियो मैंने बना रखी है, वो भी आपको आई बटन पर मिल जाएगी। अब आगे देखो, क्रिश कुमार सर्च करा, अब भाई मैं ब्लॉग सर्च करता हूँ आगे, तो भाई देखो मेरा चैनल ये आ रखा टॉप पे, मेरी वीडियो भी टॉप पर है। जब मैंने ये चैनल नहीं बनाया था उससे पहले भाई ये चैनल देखने को मिलता था टॉप पर, जबकि इसने 6 वीडियो डाल दी, मेरे से अभी भी ज्यादा वीडियोस हैं। क्रिश कुमार व्लॉग में सर्च कर रहा हूँ, मेरी ये वीडियो भी आ रही है, ये वीडियो भी आ रही है, और भाई देखो ये फिर यहाँ पर भी आ रहा है। यहाँ पर देखो भाई पूरा एस्टैब्लिश है भाई, कुछ ये वीडियोस आ रही है क्योंकि अभी कम पड़ रही है व्लॉग वाले चैनल पर वीडियो, पूरा व्लॉग वाले चैनल पर अच्छे से वीडियोस हो जाएंगी तो भाई मैं ही आऊँगा टॉप पर, ये मेरी गारंटी है। कैसे मैंने ये चीज़ करी, कैसे आप भी अपने ये चीज़ कर सकते हो, आप भी अपने चैनल को टॉप पर लेकर आ सकते हो। मेरा एक दोस्त है भाई, उसने अपने चैनल का नाम ही बदल दिया क्योंकि उसका चैनल टॉप पर नहीं आ रहा था, तो भाई ये चीज़ नहीं करनी। फिर मैंने उसे समझाया, उसने भाई वापस वही नाम करा और उसका चैनल आज भी टॉप पर आता है। तो भाई ये चीज़ आप भी कर सकते हो। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, भाई YouTube स्टूडियो है क्रिश कुमार व्लॉग्स, एक नया चैनल है, बिल्कुल इस्टेब्लिश हुआ है। मैं आपको अभी क्रॉस कर दिया, नहीं भाई है, मिनिमाइज में है। देखो भाई इस चैनल को दिखाता हूँ, ये चैनल इसकी सारी कस्टमाइजेशन वगैरह कर रखी है। अबाउट में मैं गया, देखो भाई आप देख सकते हो 29 जैन, आज है 10 तारीख, तो भाई 12 दिन पहले ही ये चैनल खोला है और भाई कुछ ज़्यादा नहीं करा है अभी तक मैंने चैनल पे। आप देख सकते हो सिर्फ 2 ही वीडियो हैं, दोनों 100 व्यूज़ पार हो चुकी हैं। चैनल आर्ट कैसे बना सकते हो इतना अच्छा, वो भी आपको आई बटन पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो आपको क्या करना है, आपको अपने यूट्यूब सर्च में लाने के लिए आपको सबसे पहले अपना यूट्यूब स्टूडियो खोल लो, उसके बाद सेटिंग्स में चले जाओ, सेटिंग्स थोड़ा टाइम लेगा, फिर चैनल पर चले जाओ। आपको भाई यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, कीवर्ड्स वाले ऑप्शन पे जाकर आपको यहाँ पे अपने चैनल का नाम 2-3 बार लिख लेना है। अगर आपका बिल्कुल भी सर्च में नहीं आता, बिल्कुल नीचे की तरफ रहता है, 60-70 पोजीशन पे आता है, तो भाई आपको यहाँ पे अपना नाम 3-4 बार लिखना है, अपने चैनल का नाम, अपने चैनल के नाम से रिलेटेड और भी जो चैनल है, फॉर एग्जाम्पल मेरा टेक चैनल, तो मेरे टेक चैनल से रिलेटेड और भी जो चैनल है मैं उनका भी नाम अप्लाई कर सकता हूँ, कोई कॉपीराइट वगैरह कुछ नहीं होता भाई इसमें। आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक आप अपने चैनल का नाम यहाँ पर नहीं लिखोगे आपका चैनल YouTube सर्च में आना इम्पॉसिबल है, आपकी वीडियो YouTube सर्च में आना इम्पॉसिबल है। तो भाई यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम ज़रूर लिखना है, पहली चीज़ मैंने आपको बता दी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपको जब आप अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हो या फिर अपलोड कर चुके हो, करने के बाद भी कर सकते हो, कर रहे हो तब भी कर सकते हो, आपको दिखाता हूँ, आपको अपने चैनल का जो नाम है ना भाई
वो अपनी वीडियो के यहाँ पे टैगिंग टैग्स वाले ऑप्शन पर भी लिखना है। यहाँ पे देखो क्रिश कुमार व्लॉग्स मैंने लिख रखा है, सेकंड नंबर पे रैंक है। और यहाँ पे देखो सारे कपड़े मैंने धोए, ये तो भाई चैनल का वो वीडियो का टॉपिक ही था तो वो भी मैंने लिख रखा है। इसलिए दो एक है क्रिश कुमार पर भी तेरा नंबर पर रैंक है। तो आपको अपना नाम अपने चैनल का नाम टैगिंग वाले वीडियो के टैगिंग ऑप्शन में भी लिखना है। आपको मैं दूसरी वीडियो भी दिखा देता हूँ, ये वाली वीडियो भाई अभी ड्राफ्ट में है, इसको मैं अपलोड करूंगा आज शाम तक। टेक वाले को अपलोड करने से पहले मैं ये अपलोड कर दूंगा। देखो भाई इसकी भी डिटेल्स में अगर मैं जाता हूँ तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो सी मोर पर मैं क्लिक करता हूँ, सी मोर हो गया। देखो भाई पहला यही टैग है क्रिश कुमार ब्लॉग्स, और देखो भाई यहाँ पर भी माय फर्स्ट ब्लॉग ये तो था ही, और यहाँ पर एक क्रिश कुमार नाम का भी एक मेरा था, क्रिश कुमार के नाम का भाई इसमें है नहीं। तो भाई आपको ये चीज़ बिल्कुल करनी पड़ेगी कि आपके जो चैनल का नाम है वो आपको सेटिंग्स में जाके अपने चैनल वाले ऑप्शन में जाके वहाँ पर लिखना पड़ेगा, और अपनी हर वीडियो की डिटेल्स में जाके टैगिंग वाले ऑप्शन में जाके आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। इतना ही था इस वीडियो के लिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी, आपको बहुत ज़्यादा मदद रही होगी इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जा सकते हो हमारे इस वीडियो को, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ब्लॉगिंग वाला चैनल आपको आई बटन पर देखने को मिल जाएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।